हेलो दोस्तों, आज मेरे पास कुछ 26 mm का सामान है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आज ये वीडियो में बताऊंगा आप मशीन में जो जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, हमारिंग प्रॉब्लम हो गया प्लस बीट नहीं घूम रहा है, तो इसके वजह से हम कौन सा चीज़ को हम चेक करेंगे, कैसे हमको पता चलेगा चीज़ क्या हुआ है दिक्कत। तो सबसे पहले आप मशीन को खोल लेंगे, ये सब चीज़ आपको आगे दिख जाएगा। तो सबसे पहले हमको पिस्टन हम निकालेंगे, पिस्टन के अंदर आपको मिल जाएगा इस तरह का चीज़ सब मिल जाएगा। अब पिस्टन ये दो एक होल रहता है यहाँ पे और 20 mm में दो होल रहेगा। पिस्टन में हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे ये ख़राब ना हो यहाँ पे, मतलब ये जो ऊपर में उसका डैम्पिंग सेट रहता है उसमें टॉच होगा, ये ख़राब हुआ था ये चीज़, तो इसको आपको चेक करना है। दोबारा आपको दूसरा चीज़ आपको ये जो होल दोनों होल है इसको भी चेक करना है, ये थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसकी वजह से यह आपका पिस्टन टूट जाता है, इसे हिलता है तो इसके वजह से पिस्टन टूट जाता है। तो ये हो गया पिस्टन के बाद। नेक्स्ट हमको ये स्ट्राइकर को चेक करना है, स्ट्राइकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीज हो जाता है, ये चीज़ ख़राब हो जाता है तो ये इसको भी चेक कीजिए। और दूसरा उससे भी ज़्यादा ख़राब होता है यहाँ पे, ये देखिए ये प्लेन लेता है और ये खाने के बाद थोड़ा गड्ढा हो जाता है यहाँ पे, तो इसको भी आपको चेक करना है, गड्ढा ना हो तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान दीजिए। उसके बाद हम जाएंगे गियर, ये है उसका गियर जो आर्मेचर के पिनियन को पिनियन से ये घूमता है, तो इसके वजह से ये सबसे मेन चीज़ है। तो गियर का आप ज़रूर ध्यान दीजिए, गियर ये जो घाटी वगैरह है तो ये ख़राब ना हो। नेक्स्ट हमको क्या करना है, उसका बाहर जो ऐसे की चीज़ घाटी रहता है इस टाइप का, यहाँ पे देखिए तो ये ख़राब ना हो, ये जो घाटी रहता है ये ख़राब ना हो। और दूसरा चीज़ आपको अंदर में भी मिलेगा आपको इस टाइप का चीज़, ये देखिए तो अंदर में भी आपको ऐसा ही मिलेगा, तो ये भी ना ख़राब हो तो इस ये ज़रूर ध्यान दीजिए। उसके ऊपर एक बेरिंग लगता है उसके भी ये वो बेरिंग ख़राब नहीं होता लेकिन ज़रूर ध्यान दीजिए, वो ख़राब हो जाएगा तो दिक्कत करेगा। नेक्स्ट हमारा ये माटिक बेरिंग या पोल बेरिंग जो भी आप बोल सकते हो, इसके अंदर चीज़ देखिए ये बेरिंग बाहर में ये जो नीडल बेरिंग है ये लगा है तो ये छोटा सा नीडल बेरिंग टूट जाता है तो वो भी ध्यान दीजिए। और यहाँ पे भी बाहर में भी बड़ा बेरिंग लगा है तो ये जो घूमता है तो ये भी ख़राब होता है, ये ऊपर नहीं तो टाल होता है, जैसे टाल होता है लेकिन ये टाल नहीं है, नया चीज़ है तो ये भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अंदर में जो चीज़ देखिए अंदर में घाटी वगैरह रहता है वो भी आप ज़रूर ध्यान दीजिए, ये ख़राब होने में भी आपका मशीन में प्रॉब्लम होता है तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपका हमारा ये टू-थर्ड शाफ्ट, ये देखिए टू-थर्ड शाफ्ट में एक ही चीज़ ख़राब होता है यहाँ पे, ये बहुत चीज़ यहाँ पे ख़राब होता है टू-थर्ड शाफ्ट में, बहुत दिक्कत करता है ये जो घाटी रहता है ये ख़राब हो जाता है, ये आप ध्यान दे नहीं देते हो, ये इसको पकड़ के छोड़ देते हो, लेकिन ये जो टू-थर्ड शाफ्ट में जो घाटी रहता है चार घाटी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये जो घाटी रहता है ये यहाँ पे तो ये ख़राब होता है, खा जाता है तो इसकी वजह से आपका टू-थर्ड शाफ्ट काम नहीं करता है, बीट भी मशीन घूमता नहीं है और कभी कभी हमारिंग भी बंद हो जाता है। और ये देखिए ये स्विच एलिमेंट है और ये स्विच एलिमेंट में जो ये जो पत्ती लगा है तो ये भी यहाँ पे टूट जाता है, निकल जाता है तो इसकी वजह से आपका मूविंग ऑप्शन बंद हो जाता है, तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आपको बताने में, तो चैनल में नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस टाइप का वीडियो देखना है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरा नया चैनल है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।